Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. बहुत सी कमेंट्स आई कि हमें ट्रांसफार्मर का ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन का वायरिंग सिखाइए. तो चलिए आज लेके आए हैं ट्रांसफार्मर ट्रबल रिलीज एंड ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर. तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें मेन जो अपना प्रोटेक्शन होता है वो करंट ऑपरेटेड प्रोटेक्शन रहते हैं. तो वो प्रोटेक्शन होते हैं अपना बैकअप रिले और डिफरेंशियल रिले. तो ये दोनों जो है वो मेन प्रोटेक्शन है जो अपना करंट पे ऑपरेट होता है. लेकिन बाकी ट्रांसफार्मर को बहुत से ऑक्सिलरी प्रोटेक्शंस मिलते हैं जो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से होते हैं. तो यहाँ पे देखिए सारे ऑक्सिलरी प्रोटेक्शंस यहाँ पे साइड में दिखाई दिए हैं और कौन से है वो देखते हैं और उसका पोजीशन कहाँ पे होती है वो देखते हैं. तो बुकोज रिले, तो बुकोज रिले कहाँ पे होता है, तो मेन टैंक और अपनी कंजर्वेटर टैंक होते हैं उसके बीच में बुकोज रिले लोकेटेड होता है. फिर आ रहा है अपना वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर. तो अपना ट्रांसफॉर्मर का वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है वो दिखाएगा. तो वो अपना ट्रांसफॉर्मर के एम के बॉक्स में रहता है. उसके बाद आता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर. तो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर सेम जो ऑयल का टेम्परेचर होता है वो कैपिलरी से निकल के टेम्परेचर इंडिकेटर तक पहुंचता है और वो अपना भी ट्रांसफॉर्मर का जो एम के बॉक्स होता है उसमें रहता है. फिर आएगा मेन टैंक पी आर वी, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व. तो जब भी ट्रांसफॉर्मर में कुछ फॉल्ट होगा तो एक थ्रस्ट बनेगा और वो थ्रस्ट से ये अपना जो प्रेशर डेवलप होगा वो रिलीज होगा पी आर वी की थ्रू और अपना पी आर वी रिले ऑपरेट होगा. तो ये पी आर वी रिले जो मेन टैंक का है तो वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो वो मेन टैंक में एक जगह पे रहता है टॉप में. उसके बाद आता है ओएल टी सी पी आर वी. तो ट्रांसफॉर्मर का ही एक भाग है ओएल टी सी, ऑन लोड टेप चेंजर. तो उसका जो टैंक होता है उसके टॉप पे अपना ओएल टी सी पी आर वी रहता है और सेम काम करता है जैसे अपना मेन टैंक पी आर वी करता है. उसके बाद आता है ओ एस आर, ऑयल सर्ज रिले. यानी कि अगर ट्रांसफॉर्मर के अंदर कुछ स्पार्क हुआ और उसकी वजह से ऑयल का सर्ज आया तो वो ऑयल सर्ज रिले जैसे अपना बुकोज रिले काम करता है वैसे ही काम करता है. और ये ऑयल सर्ज रिले जो होता है वो अपना कंजर्वेटर टैंक और ऑयल टी सी उनके बीच में रहता है. जैसे कि अपना बुकोज रिले था तो मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में था, तो यहाँ पे मेन टैंक और ऑयल टी सी टैंक होती है उसके बीच में अपना ओ एस आर रहता है. और जो लास्ट है वो एम ओ जी यानी कि मैग्नेटिक ऑयल गेज. तो वो जो है तो ये अपना जो मेन टैंक है अपना कंजर्वेटर टैंक उसमें ऑयल का लेवल कितना है वो दिखाता है. तो वो यहाँ पे सिचुएटेड होता है. तो इस तरह से अपना ट्रांसफार्मर के ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन होते हैं. आगे देखते हैं कि उसका प्रोटेक्शन हम अपनी पैनल में किस तरह से लेके आएंगे. तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो मेन एम के बॉक्स रहता है, एम के बॉक्स के अंदर उसका टर्मिनल ब्लॉक रहता है. तो वो इस तरह से टर्मिनल ब्लॉक रहता है और उसमें हमें जो आगे हमने देखा सारे के सारे ऑक्सिलरी रिलेज, तो उसका वायरिंग यहाँ पे होता है. तो आप देखते हैं कि अभी उसका वायरिंग किस तरह से होगा. तो सबसे पहले जो आता है वो है अपना बुकोज रिले. तो बुकोज रिले होता है, हमने एक अलग से वीडियो बनाया है बुकोज रिले का. तो उसमें देखा गया था कि बुकोज रिले में दो कॉन्टेक्ट रहते हैं, एक अलार्म का और एक ट्रिपिंग का. तो उसका वायरिंग किस तरह से होता है, तो यहाँ पे दिखाया गया है ए, ए फॉर अलार्म एंड टी फॉर ट्रिपिंग. अलग अलग नोमेनक्लेचर होते हैं सभी ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चर के हिसाब से, लेकिन हमने यहाँ पे ए फॉर अलार्म एंड टी फॉर ट्रिपिंग लिया है. तो उसका कनेक्शन किस तरह से होंगे कि ए वन से यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट जाएगा और ए टू वहाँ से रिटर्न आएगा. तो ये कॉन्टेक्ट जो है अपना यहाँ तक पहुँच गया. उसी तरह से अपना ट्रिप कॉन्टेक्ट जो है वो यहाँ पे गया और उसी तरह यहाँ से वापस आ गया. तो ये अपना अलार्म कॉन्टेक्ट यहाँ पे आ गया है, ये अपना ट्रिप कॉन्टेक्ट यहाँ पे आ गया है.
आगे हम देखेंगे कि ये अंदर जब अपने पैनल में जाता है तो वो किस तरह से काम करता है और पूरा जो फंक्शन होता है वो किस तरह से होता है वो देखेंगे। बुकोस के बाद आता है अपना वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर में भी सेम दो कॉन्टेक्ट रहते हैं, एक अलार्म का रहता है और एक ट्रिपिंग का रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी दो कॉन्टेक्ट है और उसको यहाँ पे हमने A2 से लेके सॉरी A3 से शुरू करके A4 में हम वो कॉन्टेक्ट वापस लेके आए हैं। तो इस तरह से ये हो गया अपना अलार्म कॉन्टेक्ट और दूसरा जो है वो ट्रिपिंग कॉन्टेक्ट। अभी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर जो होता है तो उसमें क्या होती है कि जो वाइंडिंग सिटी होती है तो उसका दो कनेक्शन आते हैं और वो कनेक्शन अपने वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है उसके अंदर देना होता है, तो उसकी हिसाब से वो अपना वाइंडिंग का टेम्परेचर दिखाएगा। तो इस तरह से अपना अलार्म कॉन्टेक्ट और ट्रिपिंग कॉन्टेक्ट हो गया और वाइंडिंग सिटी हमको वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है उसमें देना होता है। वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर के बाद आता है अपना ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर में भी उसी तरह से दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक अलार्म का होता है और एक ट्रिपिंग का होता है। तो यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट है और इन दोनों कॉन्टेक्ट को हम यहाँ पे TB पे लेके आते हैं। तो ये अपना दो कॉन्टेक्ट आ गया A5 A6 और उसी तरह से T5 T6 अपना दूसरा कॉन्टेक्ट आ गया। तो ये ट्रिपिंग के लिए है। OTI WTI हो जाने के बाद आता है प्रेशर रिलीफ वाल्व PRV। तो PRV वो सडन ऑपरेटेड रिले है तो उसमें अलार्म नहीं आएगा, उसमें एक ही कॉन्टेक्ट रहता है और वो डायरेक्ट ट्रिपिंग का कॉन्टेक्ट रहता है। तो यहाँ पे T7 और T8 है तो वो दोनों अपना ये कॉन्टेक्ट का टर्मिनेशन के लिए काम आएगा। तो इस तरह से हम PRV से वायर लेके आएंगे दो और ये T7 T8 में लगाएंगे। अभी जैसे हमारी आगे बात हुई उस तरह से ये जो है वो मेन टैंक PRV है, तो OLTC के लिए भी एक सेम PRV रहता है, वो कम प्रेशर पे होता है। तो वो भी PRV सडन ऑपरेटेड रिले है तो उसमें भी एक ही कॉन्टेक्ट रहेगा जो ट्रिपिंग के लिए डायरेक्ट काम आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे उन जो PRV का कॉन्टेक्ट है उसको लेके आएंगे T9 और T10 में। तो इस तरह से अपना OLTC PRV का काम हो जाएगा। उसके बाद OLTC में ही अपना OSR जैसे बुकोज रिले है वैसे ही होता है, तो वो OSR होता है। वो भी OSR में क्या है वो सडन ऑपरेट रिले है। बुकोज जैसे होता तो बुकोज में अपना पहले अलार्म आता था और फिर ट्रिपिंग आएगा, लेकिन OSR जो है वो डायरेक्ट ऑपरेट होता है तो उसमें भी हम एक ही कॉन्टेक्ट होता है और वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप करने के लिए काम आता है। तो ये अपना OSR है जो कि OLTC टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में रहता है और उसका कनेक्शन डायरेक्ट ट्रिपिंग में अपना T11 और T12 में एक ही कॉन्टेक्ट में दिया गया है। OSR के बाद अपना आता है मैग्नेटिक ऑयल गेज, जो कि हमने देखा कि जो अपना कंजर्वेटर टैंक होता है जहाँ पे ऑयल स्टोर्ड होता है उसका ऑयल लेवल कितना है वो देखने के लिए होता है। और मैग्नेटिक ऑयल गेज जो होता है वो अपना इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है कि ऑयल लेवल कितना है। तो वहाँ पे हमें देखना है कि ये ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप ना करे, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट रहता है और उसमें अलार्म दिया जाता है कि जो ट्रांसफॉर्मर को अलार्म देगा अपनी पैनल में अलार्म आएगा कि भाई आपका ऑयल लेवल लो हुआ है। तो उसका हम यहाँ पे लेके जा रहे जो कॉन्टेक्ट वो है अलार्म A7 और A8। तो इस तरह से अपना ट्रांसफॉर्मर का जो ऑक्सिलरी रिलीज है उसको हम अपना ट्रांसफॉर्मर का जो MK बॉक्स है वहां पे लेके आ रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे हमने देखा कि जैसे बुकोज है, WTI है, OTI है, मेन टैंक PRV, OLTC PRV, OSR एंड MOG, तो ये अपना ट्रांसफॉर्मर के बेसिक ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन रिले है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मर ट्रबल रिले भी बोलते हैं। और उन सब के जो कनेक्शंस है, वो कनेक्शंस कितने होते हैं और उसको कैसे, कितना, कौन सा यूज़ करते हैं उसका, वो हमने देखा। और उन सब कॉन्टेक्ट्स को हम जो ट्रांसफॉर्मर का MK बॉक्स है, तो उस MK बॉक्स में जो अपना टर्मिनल ब्लॉक है, तो वहाँ पे हमने टर्मिनेट कैसे करते हैं वो देखा। अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो टर्मिनल बॉक्स है, वहाँ से अपना वायरिंग आगे जाएगा और वो पैनल में जाके किस तरह से टर्मिनेट होगा, और हमको किस तरह से ये जो ट्रांसफॉर्मर के सारे ऑक्सिलरी रिलेज है उसका इंडिकेशन देगा। ठीक है, तो वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। सो काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मर वायरिंग। एंड ऑल्सो आप हमें बताइए कि आपको और क्या जानना है, तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखते रहिए और थैंक यू।